नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ संस्कृत में आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। अगर ये एक आवेदन पत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए देख लेते हैं कि संस्कृत में आवेदन पत्र पाँच दिन के लिए अगर आप बुखार है, आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप स्कूल के लिए अवकाश चाहिए तो कैसे लिखते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश, आप जहाँ रहते हैं वहाँ उस प्लेस का नाम लिखेंगे, स्थान का नाम। देन फिर हमें विषय मेंशन करना होता है, जो सेवायाम के नीचे जस्ट ये वाली लाइन एकदम स्ट्रेट होती है, विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। अगर यहाँ पे आपको 3 दिन के लिए तो त्रिदिवसीय, 5 दिन के लिए तो पंचदिवसीय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखेंगे। देन फिर महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़िता अस्ति अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्ति। मतलब हम कह रहे हैं कि यद अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि, मतलब तबीयत खराब हो गई है, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्ति, आने में असमर्थ हूँ विद्यालय, कृपया मम पंच दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, कृपया मेरा 5 दिन का अवकाश पत्र स्वीकार करें। तो आप यहाँ पे 5 की जगह पे जितने भी दिन का आपको अवकाश पत्र बोला जाए आप उतने दिन का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन फिर दिनांक, यहाँ पे सधन्यवादम लिख देंगे, सॉरी मैं लिखना भूल गई थी, 1 सेकेंड। इस तरीके से आप यहाँ पे धन्यवाद दे देंगे, स्वीकार करें, फिर धन्यवाद। देन फिर यहाँ पे दिनांक लिखना है, दिनांक, उसके बाद यहाँ पे भवदीय शिष्य, फिर भवदीय शिष्य, उसके बाद आपका नाम जो भी है यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको किसी दूसरे टॉपिक पर भी संस्कृत में, हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे या स्पीच चाहिए सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।